कैसे हो आप सब। तो बहुत दिन बाद फाइनली मैं आ ही गई हूँ आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर का जो है वीडियो लेके। सो ये हैं आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियोस। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू थ्री पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज़ प्रोबेबली द सिक्स चैप्टर। अब आज के क्वेश्चन एंड आंसर के बाद कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन एंड आंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। प्लस इसमें मैंने कुछ MCQs लिए हैं, कुछ ऑड वन आउट लिए हैं। तो आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो। चाहे स्पीड बढ़ा के देखो, चाहे कैसे भी देखो, बट एटलीस्ट एक बार देखो इसको। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज कॉल। लार्ज स्केल कटिंग, लार्ज स्केल में जब आपके पेड़ों पौधों को काटा जाता है, फॉरेस्ट को काटा जाता है, तो उसे क्या बोलते हो आप। सो यहाँ पर आंसर है आपका, इट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। सो मेरे को लिखने की ज़रूरत है तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। सो इट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। डिफॉरेस्टेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू ईच ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमारही बायोस्फीयर के दो फ्लोरा बताने हैं और दो फौना बताने हैं। फ्लोरा क्या होते हैं आपके पेड़ पौधे, फौना क्या होते हैं आपके एनिमल्स। तो दो फ्लोरा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व के। इसमें आएगा पहला मैंगो, दूसरा टीक, देन वी डिस्कस अबाउट फौना। फौना में आपका आएगा चीतल, ठीक है, चीतल, और दूसरा है एक डियर, ठीक है। नीचे चलते हैं, व्हाट आर द स्पीशीज एग्जिस्टिंग इन स्मॉल नंबर्स कॉल्ड। जो स्पीशीज बहुत ही स्मॉल नंबर में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज रेयर स्पीशीज। मूविंग डाउनवर्ड्स, नेम द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, तो ये यूज होता है आपका ट्री पल्प, पेड़ का पल्प। ओके, और ये एंड दूसरा कैसे होता है, ये जब इसकी ब्लीचिंग करते हो आप, तो आपको मिलता है एक पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल। इस तरीके से जब पेपर को, ट्री पल्प को आप ब्लीच करते हो, तो आपका पेपर मैन्युफैक्चर होता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैज़ बीन लॉस्ट फॉर एवर आर कॉल्ड। जो प्लांट्स और स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, सॉरी, जो लॉस्ट हो चुके हैं फॉर एवर, अब वो नहीं पाए जाते, उसको क्या बोलते हो आप। यहाँ मैंने आंसर दे ही दिया, दे आर नोन एज एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ओके, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन एंड आंसर है जो आपको पता होने चाहिए, व्हाट इज़ मेंट बाय फ्लोरा एंड फौना। ये हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है कि फ्लोरा और फौना क्या होता है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर फ्लोरा होता है आपका द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। कोई प्लांट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलता है या फिर कोई ट्री, तो उसको बोलते हैं फ्लोरा। और फौना होता है आपका एनिमल्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। देन दे कैन आस्क यू अबाउट कि हमने यहाँ डिस्कस करा था पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। तो यहाँ भी हम पंचमारही बायोस्फीयर रिजर्व में फ्लोरा क्या है, फ्लोरा जैसे वहाँ मिलता है साल, टीक, ये सब पेड़ है फ्लोरा, ठीक है, मैंगो, जामुन, देन वी हैव सिल्वर फर्न्स, अर्जुन, ये सब है आपके फ्लोरा। और फौना में आपका आ जाता है जैसे चिंकारा हो गया, ब्लूबुल, बार्किंग डियर, चीतल, वाइल्ड डॉग, ये सब है आपके फौना। अब नीचे चलते हैं, नाउ विल डिस्कस अबाउट एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं आपकी। सो द एंडेमिक स्पीशीज आर द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ प्लेस और किसी बायोटा में, दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज।
जो स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत एक्सक्लूसिवली किसी एक जगह पे, किसी एक प्लेस पे पाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज़। सो दीज एंडेमिक स्पीशीज़ आर वेरी यूनिक टू दैट प्लेस एंड रीजन। ये उसी रीजन में आपको मिलेंगी, ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, एक रीजन की स्पेशलिटी है कि ये स्पीशीज़ वहीं मिलेंगी। उस रीजन के अलावा इधर उधर आपको कहीं भी एंडेमिक स्पीशीज़ यू विल नॉट फाइंड, राइट? सो एंडेमिक जो फॉर्म है, दे डेवलप स्पेशली, कहाँ पर डेवलप होती हैं ये स्पीशीज़ स्पेशली? ये होती हैं आपकी ऑन आइलैंड्स। आइलैंड्स में क्यों हमें इतनी सारी स्पीशीज़ मिलती हैं एक जगह इकट्ठी हुई, कि उसकी ही स्पेशलिटी होती है बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल आइसोलेशन। जैसे आपके आइलैंड हो गए हवाई के, गैलापागोस के आइलैंड्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो अगेन विल डिस्कस अबाउट पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में एंडेमिक जो फ्लोरा है, जैसे साल है, वाइल्ड मैंगो, ये सिर्फ वहीं मिलेगा और कहीं आपको वाइल्ड मैंगो नहीं मिलेगा। देन एंडेमिक फौना जैसे है वहाँ पर, बिंसन हो गया, जाइंट जो इंडियन जाइंट स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल हो गई, ठीक है, उड़ने वाली जो आपकी गिलहरी होती है, वो आपको वहीं मिलेगी पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में। वो वहाँ की स्पेशलिटी है और एक पर्टिकुलर उस पोजीशन में बहुत सारी आपको वहीं मिलेंगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी, ओके? इसको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज़। चलिए नीचे आते हैं हम, क्या बोल रहा है ये, इसमें बोला है आपका व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स, या नेम वन माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज़ अ माइग्रेशन। पहले आपको जानना पड़ेगा कि माइग्रेशन क्या होती है। देखिए, द बर्ड्स विच फ्लाई फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, एक हैबिटेट से अनदर हैबिटेट में जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं उनको बोलते हो आप माइग्रेटरी बर्ड्स। सो बर्ड्स को जो है माइग्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लो अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में माइग्रेट कर रहे हैं, तो वॉट इज़ द नीड टू माइग्रेट, क्या नीड है माइग्रेट करने की? सो दे माइग्रेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रीज़न। पहला क्या, सबसे पहला ये होता है कि जो इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट है, मान लो उनको कोई क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल कि उन कुछ बर्ड्स हैं उनको गर्मी चाहिए, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो फिलहाल हैं या गर्मियाँ चल रही हैं, तो वो गर्मियों में यहाँ रहेंगे। जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ने लग जाएगी, तो वो इस जगह को छोड़ के किसी ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ उनको उनके लिए अनुकूल या फिर फेवरेबल एनवायरनमेंट, हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, समर्स मिलेंगी, राइट? सो पहला रीज़न। देन सेकेंड वन इज़ टू एनेबल देमसेल्व्स टू फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर, ताकि जो फूड है उनको थ्रू आउट द ईयर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो विंटर में क्या होता है, फूड सोर्सेज लिमिटेड होते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये साउथ की तरफ जो है फ्लाई कर जाते हैं, जहाँ पर वेदर जो होता है दैट इज़ माइल्ड, और जो फूड होता है दैट इज़ इन अ प्लेंटी ऑफ अमाउंट। थर्ड रीज़न क्या है इनका माइग्रेट करने का? तीसरा रीज़न है टू ले देयर एग इन अ मोस्ट हॉस्पिटेबल प्लेस, ये एग्स ताकि ये अंडे दे सकें एक अच्छी हॉस्पिटेबल प्लेस पे, सो दे माइग्रेट, ओके? दीज आर द थ्री रीजन्स फॉर देयर माइग्रेशन। नाउ वी कम टू रीफॉरेस्टेशन। व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? रीफॉरेस्टेशन क्या होता है आपका? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है रीडेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज इन प्लेस ऑफ द डिस्ट्रॉयड वन, ठीक है, रीडेवलप करते हैं हम फॉरेस्ट को बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज इन प्लेस ऑफ द ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, रीफॉरेस्टेशन होता है ये, ठीक है। देन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रीफॉरेस्टेशन है क्या ये अपने आप अकर हो सकती है? तो यस, रीफॉरेस्टेशन में अकर या टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। जब भी हम इस डिस्ट्रॉयड ट्रीज़ को हम अनडिस्टर्ब जो है छोड़ देते हैं, ट्रीज़ काट दिए हमने, इसको छोड़ दिया फॉरेस्ट में, ठीक है, कुछ टाइम बाद इनमें ये कैपेसिटी होती है कि वापस से ये अपने आप को डेवलप कर लेते हैं ऑन इट्स ओन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो दिस इज नोन एज रीफॉरेस्टेशन, ओके? नाउ डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है हमें, सो जस्ट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा चार्जिंग का इशू आ रहा है, पार्डन मी।
आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा चार्जिंग जो है वो कम हो गई थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन. सो वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आपकी, सो ये डिस्कस करते हैं हम. सी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर वगैरह ये सब क्या होता है, ये हमने डिस्कस करा ही था. सो द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो वेराइटी या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, किसी प्लांट की, किसी एनिमल्स की जो वेराइटी मिलती है, या वेरिएबिलिटी. वेराइटी मतलब कि मैंगो किसी ने लगा रखे हैं तो 5 तरीके के मैंगो हो गए, ठीक है. वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबल, कि मान लो एक तरीके का मैंगो है, फिर उसकी स्पीशीज अलग अलग, देन दूसरा वेरिएबल मतलब कि कोई मैंगो हो गया, कोई एप्पल हो गया, देन कोई बनाना हो गया, इस तरीके से वेरिएबल. और वेराइटी होगी उसी चीज़ की, पर्टिकुलर अलग अलग वेराइटीज, ठीक है. तो क्या है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी एनिमल की, प्लांट की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब ये वेराइटी और वेरिएबिलिटी पाई जाती है इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ओके, व्हाट आर एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड, या फिर स्पीशीज. एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं आपके. एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते हैं आपके, अगर प्रॉपर डेफिनेशन के उसमें हम जाएं, द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर. जो स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स के बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दैट आर लॉस्ट फॉर एवर, अब नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल, पहला हम ब्रह्म कमल जो है वो हमें अब देखने को नहीं मिलेगा. सेम फिर सर्पगंधा प्लांट, इट इज़ ऑल्सो एक्सटिंक्ट, वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा. देन वी हैव एंडेंजर्ड स्पीशीज, द स्पीशीज विच आर लाइकली टू सर्वाइव. सॉरी, एंडेंजर्ड होते हैं द स्पीशीज विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ द कॉजेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट. जो अगर जो स्पीशीज जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर कॉजेटिव फैक्टर्स जो हो गए वो अभी भी होते रहे तो, ऑपरेट करते रहे तो, एंड आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज. कॉजेटिव फैक्टर्स मतलब अब एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जो भाई जिनको हमेशा ही खतरा बना रहता है और उनको एक्सटिंक्ट होने का. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हंटिंग हो गई, पोचिंग हो गई, लोग इनका शिकार करते हैं, मान लो राइनोसिरस है, ठीक है, गेंदा है, उसके सींग के लिए लोग उसको मार लेते हैं. देन कुछ लोग जैसे आपकी जो हंटिंग है वो और चीज़ों के लिए भी करते हैं, चमड़े के लिए लोग करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं अंदर से वो निकाल के बहुत चीज़ें बनती हैं, तो उसके लिए लोग हंटिंग करते हैं. तो ये इस तरीके के एंडेंजर स्पीशीज होती हैं विच आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ द पॉजिटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट. सो एग्जाम्पल क्या है इसके, हम डिस्कस करते हैं. पहला, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के मैंने आपको बता दिए एग्जाम्पल. एंडेंजर्ड के हैं आपके, जैसे कि इंडियन राइनोसेरस हो गया, एशियाटिक लॉयन हो गया, क्रोकोडाइल, ब्लू वेल, दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज. ओके, आगे चलते हैं. व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज़ डेवलप्ड टू कंजर्व आ बायोडाइवर्सिटी. एक प्रोटेक्टेड एरिया है वो जो डेवलप किया जाता है टू कंजर्व आ बायोडाइवर्सिटी. सो अंडर द 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था आपका, तो हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिएट करे थे प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व. और उसमें से जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका क्रिएट करा गया था, या फिर इट प्रोटेक्टेड एरिया था टू डेवलप, दैट इज डेवलप्ड टू कंजर्व आ बायोडाइवर्सिटी, राइट. बायोस्फीयर रिजर्व दे आर मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज. ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं विच आर डेवलप्ड टू, सबसे पहले क्यों डेवलप किया गया बायोस्फीयर रिजर्व, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन दूसरा क्या रीज़न था इसका, टू एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, एजुकेट कर सकें, ट्रेन कर सकें अबाउट द एन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, एंड दूसरा द इको फ्रेंडली लिविंग के लिए, राइट. सो दैट इज़ वाई बायोस्फीयर रिजर्व्स वर क्रिएटेड. सो इन केस दे आस्क यू अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व के आपको एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जांपल्स कुछ हैं, जैसे कि पहला नीलगिरी,
ये सब आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देन इट इज नॉक रॉक, तीसरा है नंदा देवी, फोर्थ वन इज ग्रेट निकोबार, देन वी हैव मानस, सिमलीपाल, डिब्रू, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, पंचमारही, कंचनजुंगा, दीज आर ऑल बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स? तो जिस तरीके से हमारा बर्ड्स का था, इसी तरीके, वैसे तो एनिमल्स का नहीं हो तो बर्ड्स का ही था इसमें, जैसे हमने बर्ड्स की माइग्रेशन पढ़ी थी, सिमिलरली माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स की है। तो ये हमने अभी कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन करा है। ओके, माइग्रेशन क्या होता है? सी, द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर टू ओवरकम दी अनफेवरेबल कंडीशन। ये एक सीजनल मूवमेंट होती है एनिमल्स की, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में, ताकि जो है वो ओवरकम कर सके जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो इसकी वजह से वो करते हैं माइग्रेशन। जो एनिमल माइग्रेट करते हैं, बर्ड्स तो माइग्रेट करते हैं किस लिए, वो हमने डिस्कस करा था, बट एनिमल्स क्यों माइग्रेट करते हैं? दे माइग्रेट बिटवीन विंटरिंग, जब विंटर्स होती है, और दूसरा ब्रीडिंग हैबिटेट, मतलब जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है तब वो माइग्रेट करते हैं एनिमल्स, राइट? सो कॉमन माइग्रेटिंग क्रिएचर्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमने बर्ड्स को डिस्कस कर लिया था, राइट? तो यहाँ पर अगर एनिमल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कॉमन एनिमल्स दैट माइग्रेट, ये कौन कौन से होते हैं माइग्रेटिंग क्रिएचर कॉमन, पहला होता है वेल, फिश, वी हैव बटरफ्लाई टर्टल्स, ओके, बटरफ्लाइज, टर्टल्स एंड बर्ड्स, ये सब होते हैं आपके माइग्रेटरी एनिमल्स। सो द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन जो करता है, वो हमने पहले डिस्कस करा था, कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इज डन बाय आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न जो होता है आपका, एक बर्ड है वो माइग्रेट करता है, सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करता है, एंड इट इन्वॉल्व्स अ ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड साउथ पोल से फिर वापस नॉर्थ पोल में आता है एवरी ईयर। माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ये एक फॉलो करते हैं एक एस्टैब्लिश माइग्रेटरी रूट्स। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स कि क्यों वो माइग्रेट करते हैं। साइबेरियन क्रेन है, वो भी आपका माइग्रेट करता है। सो आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डीफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स, इन्वायरमेंट, अर्थ, नेक्स्ट जनरेशन। यार डीफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट या प्लांट्स, ठीक है? इसका इफेक्ट क्या होगा वाइल्ड एनिमल्स पे? जब आपने काट दिए पेड़ पौधे, तो ऑब्वियस सी बात है वाइल्ड एनिमल्स को उनका हैबिटेट छिन जाएगा। जो वाइल्ड एनिमल्स जहाँ रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, या फिर उनका एक प्रॉपर वो है कि, क्योंकि जो आपके हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स इन प्लांट्स को खा के ही जो है अपना गुजारा करते हैं। अब सिमिलरली जो कार्निवोर्स हैं वो उन हर्बीवोर्स को खा के अपना पेट भरते हैं। जब हर्बीवोर्स ही नहीं रहेंगे तो कार्निवोर्स को भी दिक्कत आएगी, तो वाइल्ड एनिमल्स पे ये इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उनका फूड कम हो जाएगा, उनका हैबिटेट छिन जाएगा। इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा? जब पेड़ पौधे काट दिए तो पॉल्यूशन होगा, देन वी हैव, जैसे जो इनकी वजह से जो सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल इरोजन होने लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। रेनफॉल पैटर्न्स जो है वो इफेक्टेड होंगे। अर्थ पे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब हमने पेड़ पौधे काट दिए तो हमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो पेड़ पौधों से मिलती है, वो उनको रिसोर्सेज आगे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये सब इफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन का। पिक ऑड वन आउट, यहाँ से ऑड वन आउट पिक करना है आपको। ग्रेट निकोबार, मधुबनी, पंचमारही, कंचनजुंगा, बताइए। सो ये है आपका मधुबनी। जो बाकी हैं वो सब है आपके बायोस्फीयर रिजर्व। साल, टीक, जामुन, चीतल और अर्जुन। इसमें से क्या है? चीतल जो है ये ऑड वन आउट है। क्यों? बाकी सारे फौना है और चीतल जो है वो क्या है, सॉरी, बाकी सारे फ्लोरा है और चीतल फौना है, ठीक है। देन इंडियन राइनोसेरस, क्रोकोडाइल, गोल्डन कैट एंड ब्लू व्हेल। बाकी ये जो गोल्डन कैट है, ठीक है, इट इज गोल्डन कैट नॉट रैट। सो गोल्डन कैट इज ऑड वन आउट। क्यों? बाकी सारे अदर्स दे आर इंडेंजर स्पीशीज। एयर, प्लांट्स, मिनरल, सनलाइट और रेनफॉल। तो प्लांट्स जो है आपका दैट इज ऑड वन आउट। बाकी सारे जो हैं ये ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, बट ये प्लांट इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम।
फिफ्थ पॉइंट इज एशियाटिक लॉयन, गोल्डन लंगूर, ब्लू वेल और क्रोकोडाइल. सो गोल्डन लंगूर इज ऑड वन आउट, बाकी सब क्या होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है हमारे पास. द स्पीशीज विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर, जो स्पीशीज लॉस्ट हो चुके हैं फॉर एवर उनको बोलते हैं आप एक्सटिंक्ट स्पीशीज. देन वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कब एनएक्ट करा था, 1972 में. इंडियन बस्टर जो है आपका किस तरीके का स्पीशीज, सवाल, इट्स अ थ्रेट एंडेंजर स्पीशीज. ठीक है, देन रेड डाटा बुक क्या, ये इसके इसके पास क्या होता है, एंडेंजर प्लांट्स की इंफॉर्मेशन रखती है ये, एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स की, एंडेंजर प्लांट्स और एनिमल्स की, तो ये मुझे बताओ ज़रा रेड डाटा बुक क्या करती है आपका. रेड डाटा बुक को पब्लिश किसने करा था, पहले आपको याद होना चाहिए, रेड डाटा बुक इज़ पब्लिश बाय IUCN, जिसको हम प्रेजेंटली WCU बोलते हैं. ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, सिर्फ प्लांट्स के बारे में नहीं, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको रेड डाटा बुक बोलते हैं. इट इज़ पब्लिश्ड इन 1991, IUCN के द्वारा ये पब्लिश हुई थी, और हुई थी ये पब्लिश्ड कब, 1991 में. ओके, देन वी हैव WWF वर्क्स फॉर, WWF वर्क्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. टुमोरो आई एम गोना टेक न्यू चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर. तो थोड़ा सा मैं और एक आधा क्वेश्चन यहाँ पर करा देती हूँ आपको जाने से पहले. चलिए, अगर आपको मैं यहाँ मैच द फॉलोइंग दूँ तो आप किस तरीके से मैच करोगे, तो पहला कि मैं बता ही देती हूँ. देखिए, डीफॉरेस्टेशन है, ठीक है, डीफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है आपका, लोअर वाटर टेबल, जो वाटर टेबल है वो लो हो जाएगी. दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है आपका, फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी. आपका जामुन ट्री है वो फ्लोरा है या फौना है, इट्स अ फ्लोरा. देन वी हैव एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक लॉयन किस तरीके की स्पीशीज है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, किस तरीके की स्पीशीज है, एशियाटिक लॉयन इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज. साइबेरियन क्रेन क्या है, ये इट्स अ टाइप ऑफ अ माइग्रेटरी बर्ड. ओके, आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म यूज फॉर प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, कौन सी टर्म है जो एक पर्टिकुलर रीजन में प्लांट्स मिलते हैं उसके लिए यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा, फौना, बायोटिक कॉम्पोनेंट, ए बायोटिक कॉम्पोनेंट. तो फ्लोरा इज अ टर्म दैट इज यूज फॉर द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है इसमें से, एशियाटिक लॉयन, चिंकारा डियर, ब्लैक बक या गोल्डन कैट. तो एशियाटिक लॉयन जो है इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है, देन आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड. ठीक है, विच डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो आपकी रेड बुक है. स्पीशीज विच आर वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, विच द स्पीशीज विद वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑन द अर्थ, जिसका बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है अर्थ पर, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडेंजर्ड स्पीशीज. द स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है उनका क्या बोलते हैं हम बताइए, जो एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज हमारी मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, दीज आर नोन एज अ एंडेमिक स्पीशीज. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज मिलती हैं. सो मेरी तरफ से ये चैप्टर ओवर हो चुका है, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैं ले चुकी हूँ, पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे. सो टेक केयर, गुड लक, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ. राइट, टेक केयर.